तो यहां पे फिलहाल ये नो सर्विस साइन कर रहा है देख लो यहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा फोन के अंदर तो यहाँ पे जितने लोग बी एस का नया नया सिम कार्ड यहाँ पे परचेज़ किए उन सब का ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि एक बी एस ए उनके लिए एक नया सिम कार्ड है तो उसका जो काफ़ी सारे जो सेटिंग्स से, है वो काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं जानते जैसे कि इंटरनेट जब वो ऑन करते तो उनका जो इंटरनेट है वो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा या फिर बी का सिम कार्ड जो है जैसे अपने फ़ोन में डाल रहे हैं उनका जो नेटवर्क है वो नहीं आ रहा तो ऐसा काफी सारा जो दिक्कत है यहाँ पे काफ़ी लोग को यहाँ पे उठाना पड़ रहा है बी के सिम के साथ अब होगा भी क्योंकि यहाँ पे एक न्यू सिम कार्ड है उनके लिए और जो हर सिम है वो एक तरीके से अलग रहता है अब जियो टेल और वी जो है वो एक अलग ही सिम कार्ड्स है और बी एक गवर्नमेंट कंपनी है और साथ में इसका जो वेरिफिकेशन होता है मतलब आप देख सकते हो कि बी का जो सिम लेने का प्रोसेस है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क इश्यूस आ रहे हैं तो चलिए मैं बताऊंगा इसको कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं तो आप भी यहाँ पे नेटवर्क का इशू यहाँ पे फेस कर रहे हो जैसे अपने सिम कार्ड जो अपने फोन के अंदर डालते हो तो यहाँ पे कोई भी नो सर्विस का यहाँ पे साइन आ जाता है आप स्क्रीन पर देखते चलो यहाँ पे यानी कि आप जैसे सिम कार्ड को अपने फोन के अंदर डालते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नो सर्विस लिखा आ रहा है जिससे आपके फोन में कोई भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं शो कर रही है ना ही कुछ यहाँ पे चल पा रहा है तो काफी

तो अगर आप तुरंत उस सिम को अपने फ़ोन के अंदर लगाते हो तो आपका जो सिम है वो एक्टिवेटेड नहीं होता आपको उसके लिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक दिन का वेट करना पड़ेगा वरना आपका जो सिम है वो एक्टिवेटेड नहीं होगा अगर आप एक दिन के पहले सिम को अपने फ़ोन के अंदर लगा देते हो तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो सिम का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है और जिससे आपका जो सिम एक्टिवेशन का जो टाइम है वो थोड़ा और बढ़ सकता है यानी आप बिल्कुल भी यहाँ पर अपना जो सिम है उसको मत लगाना जैसे आप ख़रीद के लाते हो तुरंत अपने फ़ोन के अंदर बिल्कुल मतलब लगाना है तो काफी लोग यही कर रहे हैं कि तुरंत सिम को खरीद रहे हैं। तुरंत लगा कि इंटरनेट चेक करना चाहते हैं बट भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना अगर ऐसा करते हो तो आप खुद यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो तो ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप देख लेना एक एक दिन वेट करके आपका ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करें तो वो दूसरा प्रॉब्लम जो है काफी लोग के साथ हो रहा है यही एक मेन प्रॉब्लम है जिससे लोग यहाँ पे बी के ऊपर कंप्लेट कर रहे कि भाई मेरा जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा यानी कि अगर आपके फोन में सिग्नल्स भी आ रहे हैं सिग्नल के साथ साथ आपका फोन में यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं कॉलिंग वॉलिंग सब कर पा रहे हो बट यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा यानी इंटरनेट आप जैसे ऑन करते हो तो सिग्नल तो शो कर रहा है बट इंटरनेट इंटरनेट नहीं नहीं चल रहा तो इसका मतलब है 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 कि जो जो आपका पैक है, उसको एक्टिवेट नहीं किया गया अब में जो है ना इंटरनेट और कॉलिंग पैक को एक्टिवेट करना होता है आपको खुद से वन नाइन जीरो सेवन नंबर है कुछ डिस्क्रिप्शन में पे स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा उस नंबर पे कॉल करके आपको जो सिम कार्ड का जो है ना इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट करवा लेना है क्योंकि ये सब अगर आप नहीं करते तो आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चलेगा आपका तो यहाँ पे शो करेगा भाई टावर आ रहा है या फिर यहाँ पे कॉलिंग भी हो पाएगी बट इंटरनेट नहीं चलेगा या फिर एक गलती हो सकती है उस दुकानदार से अब कौन दुकानदार मैं बता दूँ जिससे आपने यहाँ पे सिम लिया है वो बंदा अगर आपका सिम का एक्टिवेट तो कर दिया है बट उसका अगर रिचार्ज करना वो भूल जाता है तो आपका जो सिम में जो नेटवर्क तो शो करेंगे आपका फ़ोन नंबर भी शो करेगा बट आपका इंटरनेट नहीं चलेगा क्योंकि इंटरनेट चलने के लिए रिचार्ज रहना चाहिए और रिचार्ज अगर नहीं रहता तो बी में वहाँ पर जो थ्री या फिर एच है या फिर फोर जी भी है वो भी यहाँ पे शो नहीं करता जैसे जियो एयरटेल वी आई में फोर जी शो करता है बिना रिचार्ज का भी लेकिन बी एस एन एल के अंदर ऐसा नहीं है अगर आपके सिम के अंदर तो कोई रिचार्ज नहीं है तो यहाँ पे फोर जी या फिर थ्री जी प्लस भी यहाँ पे शो नहीं करता तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आपका बंदे ने वो जिससे भी आपने सिम लिया उसने रिचार्ज नहीं करवाया तो उसको एक बार आप कह भी देना कि भाई रिचार्ज कर दो मेरे सिम को क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है या फिर कॉलिंग नहीं हो पा रही तो आपका जो रिचार्ज है वो जल्द से जल्द यहाँ पे कर देगा ओके okay, दोस्तों यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क है वो आ चुका है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये देखो यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इंटरनेट मेरा ऑन है बट फिर भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा यानी कि इंटरनेट का कोई भी सिंबल जो है शो नहीं कर रहा लेकिन मेरा इंटरनेट जो है वो यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे नेटवर्क भी आ रही है तो यही प्रॉब्लम हो रही है मेरा जो रिचार्ज है वो खत्म हो चुका है जिसकी वजह से मेरा नहीं आ रहा और एक और सिम में मैंने अभी एक्टिवेट कराया तो उसका भी इसी में लगाया हुआ है देख लो दूसरा सिम भी इसी में है जिसका यहाँ पे नो सर्विस आ रहा है तो दोनों बी एस के सिम मेरे इसी फ़ोन में लगे हैं तो आप देख सकते हो ये ऐसे ही होता है इसके अंदर अब तीसरी मेन प्रॉब्लम की बात की तो अगर आपने सिम को जी यहाँ पर सिम जैसे कि आपने ख़रीद लिया ख़रीदने के बाद आप दो तीन फ़ोन में चेक कर रहे हो भाई सिम डाल के किस में अच्छा इंटरनेट चल रहा है तब आप देखते हो कि आपके दूसरे फ़ोन में बी का सिम नहीं चल रहा और फिर से आप उसी फ़ोन में डाल रहे हो तो आपका बी का सिम नहीं चल रहा तो इस प्रॉब्लम का छोटा सा सोल्यूशन ये है कि आप जैसे सिम कार्ड को डालते हो कोई भी नया फ़ोन में तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कंफिग्रेशन का एक ऑप्शन आता है यानी कि रिक्वेस्ट हैंडसेट कॉन्फ़िगरेशन अब इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है ना उसको एक मतलब उसका जो पूरा डिटेल्स है या फिर उसका जो इंटरनेट चलने के लिए जो भी सेटिंग्स चाहिए वो इंस्टॉल करता है बी मतलब जियो एयरटेल वीआई में ऐसा नहीं है बट बी के अंदर ना एक छोटा सा सेटिंग्स इंस्टॉल करता है आपके फोन के अंदर तो वो इंस्टॉल होने के लिए आपका जो फोन में ना एक मैसेज आता है जैसे आप सिम कार्ड को आपका फोन में डालोगे एक मैसेज आएगा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको करना क्या होगा कि जो आपका जो सेटिंग है मैंने कि जो भी फोन में जो सेटिंग आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर यानी आप जैसे सिम कार्ड डाल दो तो वो सेटिंग आ जाएगा तो उसके ऊपर आपको ओके okay पे क्लिक कर देना है अब जैसे ही ओके okay पे क्लिक करते हो तो आपका जो सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके फोन में वन आप अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर दे तो ये एक्टिवेट नहीं होता अब काफी बंदे कहेंगे कि भाई मेरा जो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आया तो आपको सिंपली करना क्या है आपको यहाँ पे फोन को रिस्टार्ट करके देख लेना है ये करने से आपको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी अब लास्ट में ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं यहां पे काफी लोग बोल रहे थे भाई बी एस ए का जो सिग्नल है वो कैसे चेक करें हमारे एरिया में आता है कि नहीं तो इसको चेक करना भाई काफी सिंपल है सिंपली आपके फोन का जो भी है सेटिंग एप्लीकेशन में चल जाना है जाने के बाद नेटवर्क सेटिंग में चल जाना है अब हर फोन का नेटवर्क सेटिंग अलग अलग होता है लेकिन आप नेटवर्क सेटिंग में चल जाना वहां पे जाने के बाद जैसे आप सिम कार्ड वाले में ऑप्शन में जाओगे यहां पे आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन में चले जाना है वहां पे जाते हैं आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क का एक ऑप्शन रहेगा अब स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देख मैं दिखाऊंगा जिसको क्या करना है इसको ऑफ कर देना है अब आप जैसे ही ऑफ करते हो तो यहाँ पे देखो सर्चिंग होना शुरू हो जाएगा अभी सर्च होने में ना भाई आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है या फिर एक मिनट का टाइम अब एक मिनट के अंदर ना आपके एरिया में जितने भी टावर होंगे जैसे एयरटेल वी आई बी एस एल या फिर जियो के जितने भी टावर होंगे वो आपके फ़ोन में यहाँ पे शो हो जाएंगे तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको ढूंढना है वहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा कि एयरटेल टू जी वी आई थ्री जी ऐसे लिखा रहता है तो यहाँ पे बी का जो है बी का बी एस एन लिखा होगा अगर वो आ रहा है आपके एरिया में तो इसका मतलब आपके एरिया में बी का सिग्नल आता है अगर आपको बी एस लिखा नहीं आ रहा उसके बदले सेल वन थ्री जी या फिर सेल वन टू जी आ रहा है तो आपके एरिया में यहाँ पे बी एस एल का टू जी और थ्री जी नेटवर्क है तो ऐसा करके आप नेटवर्क भी यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपके एरिया में आ रहा है कि नहीं तो यही थी आपको सिंपल स्टेप्स मैंने बता दिया नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो और साथ में कैसे नेटवर्क ढूंढ सकते हो आपके एरिया में आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना तो फिर मिलते हैं साथ तब तक जय हिंद जय भारत